जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़े नाल गुरप्रीत सिंह लेके हाजिर हाँ। तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला शॉर्ट एंड शॉर्ट। भारत के मोस्ट वॉन्टेड दहशतगर्द हाफिज सईद ने जी मीडिया को दी धमकी, बोलिया असी दसांगे की होंदी है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाल्लाह, तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, ये तुम्हें पता चलेगा। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले लेके खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक की, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह सबीरुल्लाह तलीकुल्लाह तलीकुल्लाह पीओके विच ऑपरेशन तो बाद जम्मू कश्मीर विच मौजूद दहशतगर्द कर सकते ने फौज ते हमला, अफगानिस्तान ने भी किया सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन। आंतरिक सुरक्षा ते गृह मंत्रालय विच हुई मीटिंग, गृह मंत्री ने कहा पाकिस्तान के सामने चुकांगे हिरासत विच लए गए फौजियों का मसला। सार्क सम्मेलन तो हुण श्रीलंका का किनारा, श्रीलंका ने कहा मौजूदा हालात में सार्क सम्मेलन करन लायक नहीं, किसी भी तरह नाल दहशतगर्दी ते निर्णायक तरीके नाल नजिठिया जाना चाहिए। ढाई साल विच पहली बार राहुल गांधी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा दहशतगर्दां दे खात्मे विच कांग्रेस सने पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल। होशियारपुर के दसूहा विच केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी प्रधान विजय सांपला ने दिव्यांग लोगों के लिए लगाए गए सुविधा कैंप में जरूरतमंद लोगों को ट्राईसाइकल दिए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान सरहद से कल किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से कहा कि भारतीय फौज की कुशलता का लोहा अज पूरी दुनिया ने मान लिया। उन्होंने कहा कि अज उन लोगों भी जवाब मिल गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल चुक रहे थे। जिहड़ा साडा मिशन दे विच असीं कह सकते हैं कि भारतीय फौज की कुशलता का अज लोहा जिहड़ा आ उह पूरी दुनिया मानती है, और अज उन्हां सारे व्यक्तियों नूं आपो अपना उस हिसाब का जवाब मिल गया जिहड़े पुछदे सी कि 56 इंच की छाती कित्थे आ। अज पूरी दुनिया ही नहीं देखती और पूरी दुनिया यह महसूस करती है कि भारत दे कोल 56 इंच की छाती। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने साबित कर दिता है कि मोदी का सीना 56 इंच का है, जे हिंदुस्तान के वल कोई भी टेढ़ी नजर ना देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिता जाएगा। इस गल का प्रगटावा हरियाणा के सनत मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के विच किया। जो कूड़ा उठाने वाली रिक्शा है 100 रिक्शा नगर निगम को गिफ्ट करी अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के तहत, तो आज सारे FII के लोग थे जिन्होंने आज शिक्षा कॉरपोरेशन फरीदाबाद को हैंड ओवर किया। लुधियाणा के फील्डगंज स्थित जामा मस्जिद में सर्जिकल स्ट्राइक में लेकर भारत के चीफ इमाम मौलाना उमेर इलियासी पहुंचे। उन्होंने पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीब के नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान से जबरदस्त हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत बर्दाश्त तो बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिता है, हुण भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए, जे हुण भारत चुप बैठ गया तो खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अज वो फतवा जारी कर रहे हैं उस नाल देश दी सारिया मस्जिदा उसनों लागू कर। देखिए देर आए दुरुस्त आए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बर्दाश्त का मादा और बर्दाश्त करते करते बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था, क्योंकि 26/11 और उसके बाद से पठानकोट और तमाम सारे जिस तरह के वाकयात पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान में आतंकवादियों के जरिए से करता चला आ रहा था, तो मैं समझता हूँ कि अब
ये वक्त सही वक्त पर जो हमारे वजीर आजम ने और हमारी भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है। मगर इस कदम को यहीं नहीं रोकना है, इस कदम को जब तक पूरा करना होगा, जब तक वहाँ से आतंकवादियों के जितने कैंप्स हैं, जब तक उनको खत्म न कर दिया जाए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। सर्जिकल ऑपरेशन तो बाद शहीदां दे परिवार इस कदम नूं सही दस रहे ने। सिर्फ 10 दिन पहला शहीद होए मदन लाल शर्मा दे परिवार वाले भी पाकिस्तान मुर्दाबाद दे नारियां दे नाल देश दे बदले दी सराहना कर रहे। परिवार का जख्म अभी ताजा है, बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन कल अपने जांबाज सैनिकों की शहादत का बदला जो भारतीय सेना ने सर्जिकल जो ऑपरेशन को अंजाम दिया है और भारतीय सेना का यह करारा जवाब इन शहीद परिवारों के रिश्ते जख्मों पर मरहम है। सर्जिकल स्ट्राइक तो बाद पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में बनाया कंट्रोल रूम, किसी भी तरह के एमरजेंसी हालात की खबर देने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पठानकोट में लोगों को रिलीफ कैंप तक पहुंचाने लिए पंजाब सरकार ने बसों का किया खास इंतजाम, गुरुद्वारों में बने रिलीफ कैंपों में SGPC ने किया लंगर का इंतजाम। अटारी बॉर्डर के नाल लगते पिंडां दे पिंड लोगों वालों खाली किए जा रहे हैं। एक पासे जिथे लोग अपने घर छड़ के हिजरत करने मजबूर ने, उन्होंने वालों जरूरी समान इकट्ठा किया जा रहा है, घर मजबूरन ताले ला के जाना पड़ा। जो इन्ह भारतीय फौज ने किया ठीक किया, क्योंकि ये कोई ना कोई जवाब जो ना करते रहते तो उन्हें कुछ ना कुछ करते ही रहना है, कोई ना कोई कर देना है, तो ये सोहना किया जो उन्होंने बहुत वधिया लेंदे आ। इस करके भी इट का जवाब पत्थर के नाल देना चाहिए ही, ये बहुत लोगों के वास्ते खुशी वाली गल, बहुत वधिया बनता है, पहलों बनता है, हुण कोई भी बंदा धक्केशाही करी जाए किन्ना कोई जर सकता, कोई भी आप घर की फैमिली ला लो, घर का ब्रदर ही लागे वो मैं तंग करी जाऊ, मैं दो चार चुप तो आखिर मैंने कहता हूँ तो मैं मरिया ही हाँ, ये तो वध की होना, ये तो बहुत वधिया किया, तो पहलों करना चाहिए। फिर दूजे पासे गुरु घर अरदास की जा रही है कि इलाके अमन शांति बनी रहे, किसी भी शख्स का कोई नुकसान ना हो, किसी का उजाड़ा ना झलना पवे, अमन शांति की अरदास के नाल नाल भारतीय फौज के दहशतगर्दों खिलाफ चुके गए कदम नूं भी इत्थों के लोग रज के सलाह रहे। अरदास सुख शांति वास्ते की है कि जो माहौल जिहड़ा चल रहा है उन्होंने सतगुरु महाराज जी कृपा करन, इहो जिहा कोई टाइम ना आवे संगत दे नगरां ते जो जिन्हां नूं घर छड्ड के जिहड़ा वा दूर जाना पवे। गुरद्वारा साहिब दे विच संगतां वास्ते लंगर दी जिहड़ी आ पूरा प्रबंध कर रहे हैं कि संगतां नूं जिहड़ियां दूरों आ रहियां ने जां लंघ रहियां इहनां नूं लंगर असीं छका सकीए ते किसे दा भला हो सके। सर्जिकल ऑपरेशन तो बाद भाखड़ा बंद की भी सुरक्षा दे विच वाधा कीता गया, बंद अंदर जाण दे लई सख्त तलाशी ली जा रही है, थां थां ते सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे। देश के गौरव भाखड़ा डैम की जो सुरक्षा है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि भाखड़ा डैम को जाने वाले बर्मला बैरियर पर जो है गहनता से आने जाने वाले जो वाहन है उसकी चेकिंग की जा रही है। चेक पोस्ट से पहला की तरह रूटीन की तरह जिदा पहला चेकिंग होंगी सी फिरोजपुर के बॉर्डर के एरिए करके मद्देनजर रखते हुए थोड़ी जी पहला नालों सिक्योरिटी बढ़ा दी है, पर प्रॉपर चैकिंग की जा रही है, किसी को आने जाने की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जा रही। पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है और आने जाने वाले वाहन को पूरी तरह से जो है चेक किया जा रहा है और ताजो किसी भी तरह से स्थिति से निपटा जा सके और भाखड़ा डैम की सुरक्षा में कोई भी कमी जो है ना रह सके। सरहदी इलाकों लोगों सही तरह नाल सुरक्षित थावां ते पहुंचाउण लई प्रशासन वालों आरजी पुल भी बनाया गया, गुरदासपुर च पुल बनाया गया। उन्होंने इन्ना है भी नहीं गा, हले राह भी है नहीं कोई उधरों भी एड्डी छेटी पुल से बनिया ही है, 50 ट्रैक्टर कट्ठे ही लंघे, वह पता नहीं हले दरिया चुने सीधे नंघा लिया, जो पत्तन पुत्तन आ उतों लंघ भी जाते हैं, कोल पै गए फिर तो सीधे आ जाएंगे, हाँ फिर तो सीधे आ जाएंगे। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आम आदमी पार्टी तो दिता अस्तीफा, सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर कल करेंगे नवी पार्टी का ऐलान, 3 बजे चंडीगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पंजाब बीजेपी प्रधान विजय सांबला ने सरदार सुच्चा सिंह छोटे पुर ते निशाना लगाया। आजाद देश में किसी को भी अपनी पार्टी गठित करने का अधिकार है, ऐसे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हर रोज कोई पार्टी गठित होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिते स्वच्छता पुरस्कार, चंडीगढ़ नगर निगम नू क्लीन सिटी, पीजीआई चंडीगढ़ नू सब तो साफ अस्पताल, ता हिमाचल दे मंडी जिले नू सब तो साफ पहाड़ी जिले दा मिलिया अवार्ड। मुड़ जेल गए आरजेडी आगू शहाबुद्दीन, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत, शहाबुद्दीन ने अदालत विच कीता सरेंडर। शराबबंदी ते बिहार सरकार नू वड्डा झटका, पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी एक्ट नू दस्या गैर कानूनी। ब्लैक मनी एलानण दा आखरी मौका, अज रात 12 बजे तक खुलणगे इनकम टैक्स ऑफिस। आईडीएस के तहत सरकार नू हुण तक मिले तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम हुण होर अगे वध रही है। इस दे तहत शिमला पुलिस ने नशे के कारोबारियों से नकेल कसण के लिए शिमला के कुफरी और नेड़े इलाकों में दबिश दी, जिस तों बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 FIR दर्ज की। फतेहाबाद के बरडाना पिंड में पति पत्नी ने की खुदकुशी, घर में ही फाहा ला के दी जान। पिंड वालों के मुताबिक आपस के रही सी दोवां की लड़ाई। महीने भर तो हिसार के अगरोहा तो एक नौजवान लापता है, परिवार का इल्जाम है कि उसका कतल कर दिता। इसे लैके नौजवान के परिवार वाले ने हिसार के मिनी सकत्रे के अगे रोस मुजहरा किया। न्याय लेने के लिए आए, हमारा लड़का मार दिया अशोक ने, विक्रम ने, उनको गिरफ्तार करो, हमारा ये कहना है। कैसे मारा, कब मारा? लठों से मारा, और उसकी लुगाई मेरे को फोन करा, मैं जागी देखूं तो बिरसिंह मरिया हुआ था। वहां से हम ठाने की कोशिश करी तो अशोक ने मारने धमकाया, लठ ले गए, हम डरती वाज गए आगे, हमारी डाणी में छुपा गई। देखिए मामला तो एक गुमशुदगी का ही दर्ज है, और अभी इसमें 2 दिन पहले जैसे यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हैं तो इनकी एसपी साहब से भी मुलाकात करवाई गई थी, और इसमें जो जांच अधिकारी के तौर पे अपने असिस्टेंट एसपी साहब श्री राजेश कुमार जी को नियुक्त किया गया था, और जो इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। तो आसपास के सभी जो इवन राजस्थान के बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अननोन डेड बॉडीज़ को भी सर्च किया जा रहा है कि कोई इस प्रकार की डेड बॉडी आई हो। तो अब ये रूल आउट करना बहुत ही मुश्किल है कि उनकी डेथ हो चुकी है या वो गुमशुदा हैं, तो दोनों लाइनों पर पुलिस काम कर रही है। सोनीपत की SIT पुलिस ने मुठभेड़ तो बाद राजेश बवाना दिल्ली गिरोह के 2 बदमाशों नजायज हथियारों के सने गिरफ्तार किया। साइबर सिटी के निजी स्कूल में नर्सरी की बच्ची के नाल छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया, तो मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। भिवानी के कस्बे सिवानी मंडी के नेड़े सैनीवास के पिंड एक पिकअप गड्डी की टक्कर, कैंटर न होने की वजह नाल 9 लोगों की मौत। हिसार च डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के अंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हुण तक डेंगू के 35 तो चिकनगुनिया के 6 मामले सामने आ चुके हैं। GST काउंसिल की दूजी बैठक, GST दायरे तो बाहर रखे जाने वाले समान से फैसला मुमकिन। मुंबई एयरपोर्ट से मुसाफरों को वड्डी राहत, घरेलू उड़ान से नहीं लगेगा यूजर डिवेलपमेंट चार्ज। SGPC वालों संचालित शाहबाद के मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया साल 2018 तो शुरू कर दी जाएगी। रेलवे का ट्रेनों में सीट बढ़ाने का नवा फार्मूला, पावर जेनसेट हटा के जोड़े जाएंगे 2 वाधू कोच। DGCA ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 जहाज के अंदर ना लेके जाने रोक हटा ली है।
अमेरिका के न्यू जर्सी में होबिकन स्टेशन से सवेर के वेले एक ट्रेन पटड़ी तो उतर गई जिस विच एक शख्स की मौत हो गई और 100 तो ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हिलेरी क्लिंटन ने न्यू जर्सी ट्रेन हादसे से दुख जताया। रूस ने कहा कि सीरिया के अलेपो में दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई जारी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में ओलंपिक पैरा ओलंपिक मैडल जीतने वाले खिडारियों का किया सम्मान। मिशेल ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से हमला बोलिया। साल 2011 में आई फिल्म फोर्स से सीक्वल फोर्स 2 का ट्रेलर आउट हो गया। सोनाक्षी सिन्हा ते जॉन अब्राहम फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे। अमेरिकन अदाकारा ली मिशेल ने एक टीवी शो के दौरान अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ते हॉलीवुड एक्टर टॉम हेडलस्टन के अफेयर का इशारा किया।